हेलो दोस्तों, प्रेगनेंसी की शुरुआत से लेकर डिलीवरी तक प्रेग्नेंट महिला के शरीर में अलग अलग बदलाव होते रहते हैं। हर एक महिलाओं का शरीर अलग होता है, प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, खाने पीने का तरीका अलग होता है, रहन सहन का तरीका अलग होता है। प्रेग्नेंट महिलाएं चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, पर कई दिक्कतें जो बीच में आ जाती हैं उसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने जा रही हूँ, प्रेग्नेंट महिला को क्या करना चाहिए ताकि डिलीवरी के समय उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उनका शिशु स्वस्थ हो और डिलीवरी नॉर्मल हो। तो आपको क्या क्या करना है दोस्तों, वो मैं 20 टिप्स बता रही हूँ, 20 टिप्स गर्भावस्था के दौरान आप फॉलो करें। आप खुद देखेंगे, आप तो स्वस्थ रहेंगी ही, आपके शिशु का विकास भी सही तरीके से होगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तनाव भी नहीं होगा और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। सबसे पहला तो है दोस्तों, सही डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव आती है उसके बाद हर एक प्रेग्नेंट महिला किसी न किसी डॉक्टर से जाके मिलती है ताकि वो उन्हीं की देख रेख में पूरे 9 महीने तक टेस्ट करवाएं, मेडिसिन खाती हैं, टेस्ट करवाती हैं और डिलीवरी भी करवाती हैं। तो सही डॉक्टर का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। ऐसे डॉक्टर का चुनाव करें जिनकी रेटिंग सही हो। आप खुद देखेंगे, आजकल कई ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल रहते हुए भी सीजेरियन डिलीवरी कर देते। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगी जाएंगी, जान पहचान होगा, तो वो कभी भी आपको नॉर्मल चीज़ों को एबनॉर्मल नहीं करेंगे, आपकी देखभाल वो सही तरीके से करेंगे। तो डॉक्टर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। उसके बाद समय पर जांच। प्रेगनेंसी जब पॉजिटिव आती है उसके बाद से ही प्रेग्नेंट महिला को कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, समय पर जांच करानी चाहिए। डॉक्टर जो आपको सलाह देती हैं उसको मानना चाहिए, डॉक्टर जो कहती हैं वो करने चाहिए, जो मेडिसिन देती हैं उसे समय पे लेना चाहिए, जो खान पान का एडवाइस देती हैं वो सही समय पर खाने पीने चाहिए। उसके बाद सही जानकारी का चीज, गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला को पूरे 9 महीने तक की और प्रसव की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है। ऐसे में आपको कुछ महिलाओं के साथ संपर्क रखना होगा जिनको अच्छी नॉलेज है। अगर आप YouTube देखती हैं तो किसी अच्छे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप किताबें पढ़ती हैं, आप वेबसाइट पढ़ती हैं, तो आप अच्छी अच्छी जानकारियां इकट्ठी करें, पर यह जानकारी बाद में वेरीफाई जरूर करें दोस्तों। आजकल जरूरी जानकारियाँ अवेलेबल नहीं होती हैं, गलत जगह महिलाएं जानकारियां इकट्ठा करने की सोचती हैं, गलत चैनल को सब्सक्राइब करती हैं, वहां पे वो अच्छी जानकारी नहीं ले पाती, इस वजह से भी दिक्कत हो जाता है। उसके बाद खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के बाद ही अगर आप अपने खान पान का ध्यान रखती हैं, आप पोषक तत्वों से भरपूर आहार लेती हैं, समय पर खाना खाती हैं, अच्छे खाना खाती हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। शरीर में जिस महिलाओं को खून की कमी है उनको सीजेरियन डिलीवरी ज़्यादा होती है। तो शुरुआत से ही आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि शरीर में खून की कमी नहीं होने दें, क्योंकि खून की कमी हो जाएगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। तो आपको ऐसे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, खाने पीने चाहिए जो शरीर में खून की कमी को पूरा करने का काम करें। उसके बाद गलत खान पान से बचना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को कभी भी गलत चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जब से आपकी प्रेगनेंसी कन्फर्म आई है उसके बाद अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। बाहर की चीज़ों का कम सेवन करें, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन कम करें, जंक फूड कम खाएं दोस्तों, और घर का बना हुआ खाना खाएं। खाने पीने का अगर आप ध्यान रखेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी दोस्तों, और गलत खान पान करेंगी तो यही आपको सीजेरियन की तरफ ले जाएगी। गर्भावस्था के दौरान वजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वजन अगर आपका नियंत्रण में रहा तो आगे जाके दिक्कत नहीं होगी, वजन अगर आपका अनियंत्रित हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा,
तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं, इसलिए वजन का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान पानी जरूर पिए, खूब पानी पिए, जूस का सेवन खूब करें, दूध दही छाछ इन सभी का सेवन आप करें ताकि आपका शरीर हाइड्रेट रहे, पानी की कमी नहीं हो। गर्भावस्था के दौरान व्यायाम करना, योगा करना, घूमना बहुत जरूरी होता है। पर इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आपको डॉक्टर सलाह दी है कि आपको आराम करना है तो आप आराम ही करें, पर बेवजह आराम नहीं करें। अगर डॉक्टर ने आपको कहा है आप घूमें फिरें, आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, तो आपको व्यायाम योगा जरूर करने चाहिए, पर डॉक्टर की देखरेख में आप डॉक्टर से पूछकर ही व्यायाम करें। योगासन और मेडिटेशन करना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। अगर आप योगासन करती हैं, मेडिटेशन करती हैं, तो आपका दिमाग शांत रहेगा, आपका शरीर अच्छा रहेगा, लचीलापन रहेगा आपके शरीर में, तो आपका नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएंगे। तनाव मुक्त रहना बहुत जरूरी है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको तनाव मुक्त रहना भी बहुत जरूरी है। आप खुश रहें, तनाव नहीं लें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। आपको तनाव मुक्त रहना है, आप तनाव में बिल्कुल भी नहीं रहें। वॉक करना बहुत जरूरी है। सामान्य प्रसव के लिए जरूरी है कि आप रोजाना वॉक करें, खासकर तीसरी तिमाही में ये जरूर करना चाहिए। छठे महीने के बाद आपको जरूर वॉक करना चाहिए, इससे आपका पेल्विक एरिया मजबूत होगा और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ेंगे और डिलीवरी के लिए आपका शिशु भी सही पोजीशन में जल्दी आएगा। उसके बाद मसाज भी बहुत जरूरी होता है। प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही यानी कि छठे महीने के बाद आप अपने निचले हिस्से में मसाज जरूर करें, हल्के मसाज जरूर करें ताकि पेल्विक एरिया को मजबूती मिले और नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाएं। गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचाव करना बहुत जरूरी होता है। आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, कमजोर अपने आप को नहीं होने दें। अगर आप संक्रमण से दूर रहेंगी तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी और प्रसव आपके सामान्य तरीके से होगा दोस्तों। उसके बाद लापरवाही करने से बचना चाहिए आपको। महिलाएं गलतियां नहीं करें, अपना रूटीन सही रखें तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको मदद मिलेगी दोस्तों। नेगेटिव सोच से भी दूरी बनाए रखना होगा आपको। आप वैसी चीज़ों को मन में नहीं रखें जो नेगेटिविटी पैदा करती हो, आपको डर पैदा करती हो। आप ऐसी चीज़ों को मत पढ़ें जो आपको डर पैदा कर दे, ऐसी चीज़ों को मत देखें जो डर पैदा करे दोस्तों। तो आप सकारात्मक रहें, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। उसके बाद शारीरिक मुद्रा का भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ेंगे दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान भरपूर नींद लेना बहुत जरूरी होता है। अगर आपका नींद पूरा होता है तो आपका दिन भर सही रहेगा, खाने पीने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भरपूर नींद का भी बहुत जरूरी है। नशा नहीं करें दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान जो महिलाएं नशा करती हैं उनको दिक्कत होती है, उनको नॉर्मल डिलीवरी के चांस कम हो जाते हैं, तो नशा तो भूल कर भी नहीं करें। उसके बाद घी का सेवन, गर्भावस्था के तीसरी तिमाही में घी का सेवन जरूर करें। घी के साथ साथ आपको डेयरी प्रोडक्ट का खूब सेवन करना चाहिए ताकि आप स्ट्रांग बने, आपका शिशु सही रहे। आप खुद सोचिए दोस्तों, अगर आप स्ट्रांग रहेंगी, आपका शिशु सही रहेगा, आपका रूटीन सही रहेगा, आपके डॉक्टर सही होंगे, आप मेडिसिन समय पे लेंगी, आपका खान पान सही होगा, तो नॉर्मल डिलीवरी के चांस तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे दोस्तों। आप कमजोर रहेंगी, आप डॉक्टर नहीं दिखाएंगी, आप खाएंगी पिएंगी नहीं, आपका रूटीन सही नहीं रहेगा, तो आपका डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांस नहीं होंगे दोस्तों। तो अगर ये 20 टिप्स जो मैं बताई हूँ, 20 टिप्स जो बताई हूँ, अगर पूरे गर्भावस्था के दौरान आप फॉलो करती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी जरूर होगी दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताएं। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।